छत्तीसगढ़ के तहसील कार्यालय सारंगढ़ में इन दिनों तहसीलदार एवं पटवारियों के बीच फर्जी पोटी दर्ज है, जिसमें नामांतरण में एक मामले में विवाद जुटता। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल तक पहुंच गया। इस पर पटवारियों ने प्रभारी तहसीलदार प्रकाश चंद साहू को हटाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने 18 जून से प्रदर्शन कर रहे हैं। तहसीलदार पटवारी को फर्जी तरीके से नामांतरण करने का आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही पटवारी विनोद टंडन ने तहसीलदार पर जातिगत गाली गलौज करने एवं प्रताड़ित किए जाने का आरोप भी लगाया, जिसको लेकर पटवारी संघ तहसीलदार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। यहाँ ये सामने आपका परिचय बताइएगा। मेरा नाम विजय निराला है, गांव पट्टी कौन के हूँ। अच्छा विजय जी, आपके बीच और मुंगरा बाई के बीच किसी विषय को लेकर के आपसी समझौता होने की बात रही, किस बात को लेकर समझौता हो गया? समझौता हुई इस बात की थी कि वो एक नामांतर था पोती के लिए, बोला बेटा इसको करवाना है। मैं बोला मौसी ये तो हो जाएगा, बोलेंगे पटवारी को जा कर के। फिर वो मेरे को 20,000 दिया पोती के लिए। तब मैं बोला जा कर के तो ये नहीं हो पाएगा, बोला पटवारी। मैं बोला मौसी ये बूता नहीं होते तो पैसा ना ले ले और चल धर। वो कहके मैं अगर पर्चा वाला वापस कर दो पैसा ला, बस अब की ही मैं जाना था। तो शिकायत तो वो महिला शिकायत क्यों कर दी थी आपके नाम पर तहसीलदार के पास? असल में तो पैसा और पर्चा थोड़ा सा लेट होगी से 1-1.5 महीना होगी, भुगतान नहीं हो पाती कहीं तो मैं वापस कर दे। वो बोली केस कर दी, तो केस कर दी तो प्रसंग में राजीनामा हो गया। महिला मोहरा भाई हमारे दोनों बीच में राजीनामा हो चुकी से। अच्छा ये विनोद टंडन है, विनोद टंडन और आपके बीच में क्या तंज है, क्या संबंध है? मेरा उनका वैसे कुछ संबंध नहीं है। इनका कुछ राजस्व संबंधी काम आप करते हैं? नहीं वैसी बात नहीं है, आना जाना बस करता हूँ थोड़ा बहुत, और उसका ये मतलब नहीं कि उसका काम करता हूँ, ऐसी नहीं है। ऐसी तो सभी पटवारी का सता जाता हूँ। आपके द्वारा उनके पट्टा को ले गया, ले जाया गया था क्या? महिला है उनका, आप पट्टा लेकर के गए? पट्टा मेरे को मिला था, उसमें कुछ संशोधन हो गया फर्जी तरीके से, उसमें नामांतरण हो गया, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अब उसको कौन किया क्या है उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। कोई पूर्व पटवारी था जिसके नाम आप जानते हैं? पूर्व पटवारी जानते हैं? नहीं। उनका आप पर आरोप है कि आपने उसके फर्जी सिग्नेचर किया है? नहीं मैं तो नहीं किया हूँ। अच्छा इसके बाद पट्टा और किसी हाथ को दूसरे हाथ में गया था? हाँ दिया है वो, मैं वापस दिया। उसके बाद कोई शिवचरण साहू लेमरा का ठेकेदार है, वह मोरा भाई को जाकर बोला कि दे मैं तेरा काम मैं करा दूंगा करके बोला। और पटवारी जी संघ के एक सदस्य ने आरोप लगाया है तहसीलदार ने जातिगत गाली गलौज किया है, तो तहसील ये पटवारी जो है विनोद टंडन आपको कब ध्यान आता है? ये सर हमको 10 तारीख को जब संघ को दिया ज्ञापन उसके बाद हमको ही अवगत होता चला कि ये एक्चुअली में जब उनका हमारे पास आवेदन आया था कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, उसके बाद हमारे संज्ञान में आया है। उससे पहले अब हमें को नहीं पता था, क्योंकि उससे पहले उनका स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से वो मेरे ख्याल से संघ के पास ही किसी के पास नहीं कर पाए। अच्छा इस संबंध में आपको जानकारी पेश की गई थी कि उनको जातिगत गाली गलौज किया है? इस संबंध में विनोद टंडन का कथन है कि वो बिल्कुल तहसीलदार के द्वारा जातिगत गाली सूचक जातिगत गाली दिया गया है, और उसके बाद उनको ये भी प्रेशराइज किया गया है कि मानसिक रूप से और उसके ऊपर दुर्व्यवहार रूप से कार्य किए गए। कुछ भी मीटर में जैसे होता था उनको मानसिक रूप से और दूसरी तरफ से दबाव पूर्वक कार्य कराने की कोशिश किया जा रहा है। आगे आप लोग क्या देखते हैं? ब्लॉक संगठन जो है विनोद टंडन के समर्थन में क्या कुछ कर रहे हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि हमारे पटवारी साथी विनोद टंडन को न्याय मिले, ताकि हम ये चाहते हैं कि कभी भी किसी भी हमारे साथ किसी अन्य पटवारी के साथ किसी भी कभी भी जातिगत मामले में या किसी भी पूर्वक दबाव पूर्वक या अन्यायपूर्वक काम मत हो। हम यही चाहते हैं कि हमारे अधिकारी है जो भी बोलेंगे हम अच्छे से करेंगे, लेकिन एक व्यवहारिक रहता है, व्यवहार में आके हर काम करते हैं। कुछ काम रहता है कि प्रेशराइज होने के बाद कई चीज़ ऐसा रहता है, चुनाव या तत्कालीन जैसे इमरजेंसी काम रहता है उसको हम लोग भी करते हैं एकदम प्रेशर में आके, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम नॉर्मली काम प्रेशर में कुछ जातिगत बोलते हुए दबाव पूर्वक करवा लें।
विनोद टंडन द्वारा एक जो है नामांतरण की जो है गलत तरीके से नामांतरण कराया गया था, वो फर्जी हस्ताक्षर भी जो उसके असिस्टेंट थे, कथित असिस्टेंट है ना, उनके द्वारा फर्जी सिग्नेचर किया गया है विनोद पटवारी का। नहीं, इनमें ऐसा है कि सामने तहसीलदार साहब जैसे बोले हैं, उसके विचार के जो भी बोले होंगे उसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे कथन के अनुसार जो हमको विनोद टंडन जी बताए हैं उस हिसाब से इस टाइप से कोई मैटर नहीं हुआ है। फर्जी विनोद टंडन अभी कुछ नहीं किए हैं उस टाइप से, क्योंकि वो अभी स्वास्थ्य उनका ख़राब है, उस टाइप से कुछ अभी मैटर आए नहीं है। मतलब उनका ये है कि वो विनोद टंडन इस टाइप से कुछ किए नहीं है। पटवारी का आईडी कोई और थर्ड पर्सन यूज करता है कि नहीं? पटवारी का आईडी ऐसा है कि पटवारी ही करता है, और इसमें ऐसा होता है कि तहसीलदार साहब इसका भी आईडी चाहे चेंज कर सकते हैं, कुछ जैसे कुछ खराबी आ गया है, अगर चोरी हो गया तो रीजनरेट करके उनके आईडी से नया बनता है। मतलब जो पटवारी का आईडी है केवल पटवारी ही उपयोग करता है? हाँ, पटवारी ही उपयोग करता है। सर आपका परिचय बताइएगा। मैं प्रकाश चंद साहूँ, नायब तहसीलदार, अभी प्रभारी तहसीलदार। जी सर, आपके ऊपर ये पटवारी विनोद टंडन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, वह क्या है सर? देखिए, उनका झूठा फर्जी आरोप है, उनके द्वारा जातिगत गाली देने और डराने धमकाने संबंधी आरोप लगाया जा रहा है, शिकायत दी गई है। उनका झूठा एक्चुअल में हुआ ये था कि पटवारी एवं उसके सहयोगी एक विजय पूरे हैं, उनके खिलाफ एक शिकायत मिला था मेरे को 21 मई को, कि इनके द्वारा मेरा फर्जी फौती नामांतरण किया गया, और उसके बाद फौजी नामांतरण दर्ज करने के बाद फिर से मेरे अधिकार को पूर्ववत कर दिया गया। मैं जब ज़मीन बेचने के लिए नकल निकलवाने गई तो मेरे को ये पता चला था कि लिखित में शिकायत है, मैंने उसको विधिवत प्रकरण को दर्ज किया। दर्ज करके हल्का पटवारी से मैं संपर्क किया, पटवारी को मैं बोला ऐसा ऐसा शिकायत आया है, तो फिर वो ऑफिस आए। 22 तारीख की घटना, 22 को फिर ऑफिस आए, 22 को चूँकि 23 तारीख को मतगणना ड्यूटी थी, हम लोग थोड़े जल्दबाजी में थे, 2:30 बजे लगभग ऑफिस आए। ऑफिस में मैंने उसको बोला इसका फ़ोटो खींच लो और इसमें जो भी है आप जांच करके प्रतिवेदन दे लो। तो 2:30 बजे मैंने ऐसा बोला, फिर लगभग यहाँ से 3 बजे के आसपास, फिर 2:30 से 3 के बीच में फिर मैं घर निकल गया था। उसके बाद 3:30 बजे अपन रायगढ़ के लिए निकल गए, और जिस समय उन्होंने घटना का समय बताया 4 बजे, उस समय तो हम लोग रायगढ़ रोड पर थे। मैं था, SDM साहब थे, नायब तहसीलदार थे, ड्राइवर था, गार्ड था, सभी के सभी हम लोग रायगढ़ रोड में थे। पूर्णतः फर्जी एवं निराधार। सर, इसमें एक बात आ रही है कि जो नामांतरण की प्रक्रिया है, नामांतरण के लिए विधान दिया गया था, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ जी, जो आपके ध्यान आकर्षण में है, नामांतरण हो चुका था? नामांतरण हो चुका था, हाँ, बगैर पंजी में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। कि जो किसान किताब होता है, रीड पुस्तिका, उसमें उसके सहयोगी ने अपने हैंड राइटिंग से फर्जी तरीके से उसको नामांतरण कर दिया, और आदेश दिनांक लिख दिया 15/3/2013-14। मैं आपको बताना चाहूँगा, आदेश दिनांक 15/3/13 होना चाहिए या फिर 15/3/14 होता, आदेश दिनांक 15/3/2013-14 ऐसा नहीं होता। प्लस पूर्व पटवारी का फर्जी साइन थे, जिसको पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है। पटवारी मेरे को 4:37 पर मेरे व्हाट्सएप में रिपोर्ट पेश किया, भेजा मेरे मोबाइल पे है, उसमें उन्होंने स्वयं बोला है कि ये फर्जी तरीके से उन्होंने 20,000 रुपये ले करके विजय कुर्रे ने इसको फर्जी पोती किया और पूर्व पटवारी का साइन भी कर दिया है। और जब मैं नामांतरण पंजी खोल करके देखा, तब ये खुलासा हुआ कि नामांतरण पंजी में इसका कोई उल्लेख नहीं, क्योंकि 2013-14 का नामांतरण पंजी मैं अपने ऑफिस में बुला करके कानून को साक्ष देखा हूँ, पंजी में टोटल 17 नामांतरण हुए हैं और ये नामांतरण क्रमांक 48 डाला हुआ है, तो 48 नामांतरण क्रमांक है ही नहीं और इसका कहीं पे उल्लेख नहीं। मैंने भी, और भी जांच अधिकारी जो आरोप लगा उसके जांच अधिकारी ने भी इस बात को देखा है, पूर्णतः फर्जी है। तो ये चूंकि इस पटवारी के आईडी से हुआ, जो DSC होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, ये वर्तमान पटवारी क्या है उससे हुआ, DSC से हुआ है। ये 26/1/19 को रहता है हीरालाल के नाम पे जमीन, 5 मार्च 2019 को आ जाता है सूरज रात्रे के नाम पे, फिर 10 मार्च को हो जाता है पुनः पूर्वत हीरालाल के नाम पे, और ये पटवारी विनोद टंडन के आईडी से। तो ये जब जाना प्रतिवेदन दे चुका है, तो फिर उसको पता चला कि मैं इसमें स्वयं फंस रहा हूँ, मेरे ही हुआ है, तो अपने बचाव के लिए ये पूरी फर्जी तरीके से आरोप लगा, ऐसा कुछ घटना हुई ही नहीं यकीन। सर, ये जो पटवारी ये प्रस्ताव देने का काम करते हैं या नामांतरण में उनका पूरा पूरा प्रस्तावित करते हैं? नामांतरण जिसे हो चुका है बता रहे हैं तो हाँ, उनका आदेश होना चाहिए था, उनको यहाँ लगाना चाहिए था, न्यायालय में लगाना चाहिए था, या फिर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव करके पास करवाना था, नहीं पंजी में मैंने देखा सब चीज़ नहीं है कहीं भी। इवन 2012-13-13-14-14-15 तीनों साल का पंजी मैंने देखा, कहीं पर उल्लेख ही नहीं नामांतरण।
ये प्रकरण जैसे सामने आ रहे हैं तो आज जो तहसीलदार जो संवैधानिक पर है उनको ये अधिकार रहता है धारा 115-116 का, जैसे ये ध्यानाकर्षण आ गया कि गलत हुआ है तो उनको सुधारने की भी एक शक्ति जो है तहसीलदार के पास होती है। नहीं, सुधारने की वो विधिवत आवेदन आता है, आवेदन आता है, जांच करते हैं, वो न्यायालयीन प्रक्रिया है, वो अपन न्यायालय में लेकर के उसको करते हैं। बाकी जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बड़ा घातक है, क्योंकि हमको हमारे पास नित नए काम आते हैं, शासन का जनहित ऐसी विभिन्न प्रकार की कार्यों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अब हम अपने अधीनस्थों को बुला करके कोई काम देते हैं, काम के डर से काम नहीं करने के लिए या अपने आप के बचाव के लिए अपने अधिकारी पे ऐसे आरोप मरते जाएंगे तो निसंदेह आने वाला समय ये उचित नहीं होगा और शासन के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। इसमें जांच होनी चाहिए, जांच हो भी रही है, जो दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी क्या स्थिति में है सर, नामांतरण जो है वो स्थिति में है? अभी तो फिलहाल अब जो मेरे ऊपर आरोप लगा है उसके लिए जिला से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, अधिकारी जाँच कर रहे हैं, अभी जाँच कर रहे हैं, प्रकरण उन्हीं लगे हुए हैं, उसको पूरी क्या सही क्या गलत है जांच हो जाए उसके बाद सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यानी ये पूरी जो जांच प्रक्रिया प्रभावित अपने आप को बचाने के लिए आपको यस हुआ क्या, जैसे ही मैंने जांच शुरू किया पटवारी यहाँ से भाग गया, जैसे ही मैंने जांच शुरू किया पटवारी यहाँ से भाग गया। 21 तारीख को मैंने प्रकरण दर्ज किया, 22 तारीख को प्रतिवेदन दिया, 22 को उसको पता चला, 22 के बाद 23 को चुनाव ड्यूटी था, है ना। उसके बाद 25 तारीख को मैंने मीटिंग ली, 25 तारीख को मीटिंग में अनुपस्थित रहा। अब बोलता है कि 28 तारीख को मैं सारंगढ़ आया था, 28 को एक नया आरोप लगाया कि उसके घर में गुंडा बेच के मरवाया गया, है ना। उसके बाद फिर मेडिकल भेज दिया डायरेक्ट SDM सर के उसमें। तो ये सारी चीज़ें जाँच को प्रभावित करने के लिए, ताकि जो सच्चाई वो बाहर ना आ पाए। मैं उसे वर्तमान पंजी भी मंगाया था, नामांतरण पंजी उसमें देखना है करके, उसको भी उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, वो जानबूझ के इसीलिए मेडिकल में गया हुआ है ताकि जांच की वो प्रभावित हो, जांच ना हो पाए। ये समस्या अगर सुनिए, अगर ऐसी कोई घटना हुई होती, अगर मैंने 22 तारीख को उसको जातिगत गलत किया तो अच्छा कल के डेट में हॉस्पिटलाइज हुआ 16 तारीख, उस समय अगर ऐसी कोई घटना हुई तो 16 जून को हॉस्पिटलाइज होने का समझ सकते हैं। बाकी आप तार्किक चीज़ें हैं समझ सकते हैं। इसमें एक विषय आ रही है पटवारी संघ की, पटवारी संघ आरोप लगा रहा है आप पर कि ये जो तहसीलदार हैं भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। समझ कुछ बिल्कुल झूठा आरोप है, सच्चाई तो ये है कि मेरे पास अधिकांश पटवारी अभी तक मिलने आए हैं, घर में आए हैं, इधर उधर से मैसेज कर रहे हैं, मैसेज करवा रहे हैं लोगों से कि सर ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई हैं कि हम यूनियन के दबाव में यूनियन के साथ हैं। चूँकि 4-5 पटवारी हैं जिनका काम, जो मेरे से जिनको व्यक्तिगत कुछ प्रॉब्लम रही हो, जो दलाली करते हैं, जो अन्य कामों में लगे रहते हैं मूल कार्य छोड़ करके, या जो राजनीति में ज़्यादा हो रहते हैं नौकरी छोड़ कर राजनीति करते हैं, उनको दिक्कतें हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बाकी सारे यूनियन को यूनियन का डर, बाकी सारे पटवारी को यूनियन का भय दिखाकर अपने यूनियन का भेजा फैला दिया गया और इसी यूनियन के माध्यम से ये पटवारी जो गलत कार्य किया है उसको सपोर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप स्वतः एक एक पटवारी से जाकर के पर्टिकुलर मिलेंगे और बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। आप कोई होना TV1 इंडिया न्यूज के लिए राम कुमार थुरिया की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कांकेर में दुर्गुकोंदल में सायंकाल में स्टोर व मोटरसाइकिल बनाने वाली की दुकानों पर अवैध रूप से पेट्रोल बिकता है। आपको बता दें कि भारी संख्या में कई स्थानों पर खुलेआम पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिसमें न केवल हादसों को बढ़ोतरी दी जा रही है बल्कि मिलावट पदार्थ बेचकर वाहनों को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ महंगे दामों में पेट्रोल बेचा जा रहा है, जो कि डीजल व पेट्रोल जैसे पदार्थों को दुकानों पर रखकर बेचने का विस्फोटक एवं अवैध क्रय विक्रय भंडारा पर प्रतिबंध के आदेश के बाद भी सर साबित हो रहा है। इसके बाद भी तमाम क्षेत्रों में पेट्रोल के अपडेट कारोबारियों को कोई भी इसके बाद भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते किसी बड़े हादसा होने की आशंका बनी रहती है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल के साथ कुलदीप की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बेमतरा जिला कलेक्ट्रेट ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जून को विशेष ग्राम सभा के आयोजन को लेकर बेमतरा जिले के चारों ब्लॉक साजा बेडला नवागढ़ और बेमतरा में पंचायत सचिवों की बैठक को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसमें शासन के विभिन्न योजनाओं के बारे में सचिवों को अवगत कराया गया। बैठक में जल संरक्षण, मजदूर बीमा योजना जैसे मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि मजदूरों को बीमा कराकर योजना का लाभ पहुंचाने को कहा गया। वहीं लगातार शासकीय जमीनों में हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
मैंने इनका जो देखिए 21 जून को जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और 22 तारीख को सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा होना है, जिसमें जल संरक्षण के बारे में ग्राम सभा में चर्चा की जाएगी। उसके और बाकी निर्माण कार्यों की समीक्षा के उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये साझा में जो है लगातार जो है अतिक्रमण का जो शिकायत जो की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ कार्यवाही एक ही के ऊपर जो हुआ है, आगे क्या रहेगा वो गवर्नमेंट का जो है? ग्रामीण क्षेत्र में भी अतिक्रमण की शिकायत है, शहरी क्षेत्र में भी अतिक्रमण की शिकायत है, कार्रवाई लगातार की जाएगी, हम भी इस तरह से पाया जाएगा। आज भी टीवी इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट, साझा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के कचना निवासी पत्रकार अभिषेक झा से हुई मारपीट के मामले में मैनेजर और 3 कर्मचारियों सहित मारपीट करने वाले 3 अन्य लोगों समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला मंगलवार रात का है, जब रायपुरा स्थित मधुबन बार के बाहर पत्रकार पर कुछ लोगों ने जमकर हमला कर दिया था। उनके साथ जमकर मारपीट की थी और सड़क किनारे उन्हें छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी। घायल पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, साथ ही पत्रकार का चेहरा और होंठ सूज गया था। इस घटना की प्रेस क्लब ने कड़ी निंदा करते हुए एसपी और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सर्किट हाउस में मंत्री की प्रेस वार्ता के दौरान आपस में भूतपूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान अध्यक्ष कुर्सी के लिए आपस में भिड़े। आपको बता दें कि मामला छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का है, जहां पर सर्किट हाउस में मंत्री कवासी लखमा के सामने ही कांग्रेस नेता आपस में गर्मा गर्म बहस करने लगे एवं तूतू मैमे भी करने लगे, जिससे नाराज होकर राजू शर्मा पत्रकार वार्ता के रूम से बाहर चले गए, जिसमें मंत्री लखमा और बस्तर के बड़े कांग्रेसी नेता ये सब देखते रहे और नेताओं को समझाने की कोशिश करते दिखे। मौका मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। प्रेस वार्ता के दौरान शहर जिला अध्यक्ष राजू शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उमा शंकर शुक्ला भी कुर्सी के लिए आपस में भिड़ गए। वीडियो देखने से पता चलता है कि राजू शर्मा की जगह पर उमा शंकर बैठने की वजह से ये विवाद हुआ था, दोनों ही उसी जगह पर बैठने को लेकर अड़े रहे। ये सारा वाकया मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। इस वक्त लखमा सरकार की उपलब्धियां गिना रहे। लोकसभा चुनाव का 3 महीना गया, 3 महीना में हम लोग को काम करने का मौका मिला है। अधिकतर हमारा घोषणा पत्र में चुनाव में लिखे थे 50 घोषणा पत्र में काम था, उसको पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने करने का काम पूरा किया है। सबसे पहले हिंदुस्तान में किसान धान का कटोरा कहने वाला छत्तीसगढ़ को हर धान का उत्पादन सबसे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में होता है। हम चुनाव में घोषणा पत्र में जनता से वादा किया था, अगर कांग्रेस का सरकार बनेगा 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदी होगा, और उसको पूरा करने का कोशिश हमारा सरकार ने किया है। साथ में हम लोग बोले थे कि हमारा सरकार आएगा तो कर्जा माफी होगा। हमारा घोषणा पत्र के 2 मुद्दा प्रमुख था, और हम लोग कर्जा माफी भी किया है। बस्तर में खासकर बस्तर का एक बहुत जनरल मुद्दा था। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में जिले के कलेक्ट्रेट जयप्रकाश मौर्य धर्मनगरी प्रवास पर पहुंचे, जहां पर विभिन्न जगहों का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ धर्मनगरी में 20 जून गुरुवार को जिले के कलेक्ट्रेट जयप्रकाश मौर्य धर्मनगरी डोंगरगढ़ के प्रवास पर पहुंचे, जहां पर वे प्रसाद योजना के तहत जमीन का निरीक्षण सहित सरकारी अस्पताल को बालेमेश्वरी मोटल में स्थानांतरित करने के लिए मोटल का निरीक्षण कर निर्माणाधीन अंडर ब्रिज का निरीक्षण भी किया। नवनिर्मित नगर पालिका भवन का निरीक्षण कर अधिकारी कर्मचारियों को उचित निर्देश भी दिए। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के ऊपर मंदिर पहाड़ी के पीछे ऑक्सीजन जोन के पास प्रसाद योजना के अंतर्गत बनने वाले मोटल एवं ओपन थिएटर के लिए आवंटित हुए 9.5 एकड़ भूमि का निरीक्षण कर भूमि के दोनों ओर लगभग 40 से 50 फीट रास्ता बनाने के निर्देश भी दिए हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन मैन शर्मा के साथ प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के संकल्पना को साकार करने की दिशा में पहल करते हुए आज कांकेर जिला में पुलिस अधीक्षक के केएल ध्रुव के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर कीर्तन राठौर के नेतृत्व में थाना कोड़ेकुर्से के नक्सल प्रभावित चावर गांव में पुलिस जनमित्र अर्थात ग्राम रक्षा समिति का गठन किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और बैंक के अधिकारियों द्वारा चिटफंड कंपनी, टोनई प्रथा, बाल विवाह, मोबाइल ठगी आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस बैठक में स्थानीय सरपंच और जनप्रतिनिधियों के अलावा हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस की इस योजनाओं का सभी गाँव वालों ने सराहना की है। पुलिस अधीक्षक को अपने बीच पाकर सभी काफी खुश हुए। इस कार्यक्रम में मानव प्रताप नगर SDOP अमोलक सिंह, अंतागढ़ SDOP पुपलेश पात्रे, थाना प्रभारी रामनारायण आदि लोग उपस्थित थे। T1 इंडिया न्यूज के लिए RL कुलदीप की रिपोर्ट, बस्तर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के सारंगढ़ विकासखंड स्थित प्रसिद्ध खनिज ग्राम गुड़ेली में कलेक्टर के निर्देशन पर खनिज विभाग के उपसंचालक और पर्यावरण विभाग के RK शर्मा के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन करते हुए 12 तुकसीदार के खदान से 4 हाईवा के साथ साथ 4 ट्रैक्टर और 1 JCB को जब्त किया है। इस कार्रवाई से खदान संचालकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है की 12 तुकसीदार के खदान की शिकायत गत दिनों कलेक्टर रायगढ़ से किया गया था, जिसके परिपेक्ष में यह कार्रवाई हुई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 12 तुकसीदार के खदान में कार्रवाई में दौरान मौके पर खनिज विभाग और पर्यावरण विभाग की टीम ने अवैध खदान से उत्खनन करते हुए 4 हाईवा और 1 ट्रैक्टर के साथ 1 JCB और 1 राख को जब्त किया है। T1 इंडिया न्यूज के लिए राम कुमार थुरिया की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। विकासखंड स्तरीय पंचम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रशिक्षण डोंडी फुटबॉल ग्राउंड में शुक्रवार को संपन्न हुआ, जहां पर उक्त प्रशिक्षण में ब्लॉक के करीबन 100 परीक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं शासकीय कर्मचारी, नायब तहसीलदार, स्कूली छात्राएं एवं CRPF के जवान योग दिवस में शामिल होकर प्रशिक्षण का लाभ लिए। T1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक राजाभोग के साथ गोरेलाल सोनी की रिपोर्ट, बालोद, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नेहरू युवा केंद्र कांकेर के द्वारा विकास खंड दुर्गू कोंदल के ग्राम पंचायत हटका कोंदल में ब्लॉक स्तरीय आस पड़ोस योगा युवा संसद सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर जिला युवा योगा समन्वयक जयप्रकाश शर्मा के द्वारा योगा कराया गया और उन्होंने कहा कि इस दौरान योगा युवा संसद की गतिविधि सहित स्वच्छता कार्यक्रम एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास भी करा रहे हैं। प्रकाश शर्मा, जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केंद्र कांकेर, यहाँ का प्रभारी अधिकारी हूँ। आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा दुर्ग कोंदल के हाट कोंदल गांव में, जो कि एक बहुत जागरूक गांव है, यहां पे आपको जान के प्रसन्नता होगी कि यहां पहला गांव है जहां की योग भवन बन रहा है। योग करने के लिए नेहरू युवा केंद्र ने आस पड़ोस सांसद, आस पड़ोस सांसद का मतलब है हमारे गांव का गुड़ी, गांव के गुड़ी में हम जिस तरीके से देश की समस्या संसद में चर्चा करते हैं, उसी तरीके से ये आस पड़ोस संसद में यहाँ दुर्ग कोंदल के जो आसपास के हाट कोंदल के गांव के लोग हैं उनके बीच बैठ करके जो 2 महत्वपूर्ण विषय है, 21 जून विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने के पहले पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, दूसरा जो है स्वच्छता, स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप, जिसमें कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा कोई भी स्वच्छता के लिए काम करने वाले, प्रयास करने वाले युवक या युवतियों के जो समूह हैं जिसमें उम्र का बंधन नहीं है, उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देते हैं जिला स्तर पे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 30,000, द्वितीय 20,000 और तृतीय 10,000। ये 10 जून से लेकर के 31 जुलाई के बीच में 50 घंटे काम करना है, चाहे इंडिविजुअल एक भी कर सकता है, अधिकतम 10 लोगों का समूह भी कर सकता है, अर्थात 10 लोग काम करेंगे एक दिन में 1 घंटा, तो 10 दिन में 100 घंटा होता है, तो आप संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए भाग लेने के लिए जो है T1 इंडिया न्यूज़ के लिए RL कुलदीप की रिपोर्ट, बस्तर, छत्तीसगढ़।